अब प्रयागराज में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था, वहां मुझे मोची की दुकान दिखी इसलिए मैं वहां बैठ गया और मैं समझना चाहता था कि आखिर वो कैसे काम करते हैं। वही बातचीत में उन्होंने बताया कि राहुल जी जिंदगी में सिर्फ मेरे पिता नहीं मेरी इज्जत की है और किसी ने इज्जत नहीं की। यह सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि इतना हुनर होने के बाद भी इन्हें किसी ने इज्जत नहीं दी। देश में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हर रोज हो रहा है, यानी 90% लोगों के सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि देश सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए हमने जातिगत जनगणना की बात उठाई है ताकि लोगों को उनकी भागीदारी मिल सके। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी एक सिलेंडर होता है, दो सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में, मान लो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है, मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी है, भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई।